हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? एक समय था कि जब हम मोबाइल रिपेयरिंग करते थे तो मोबाइल को ओपन करने के लिए 6 स्क्रू पीछे से हम ओपन करते थे, पैनल निकालते थे और मदरबोर्ड बाहर आ जाता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और डिस्प्ले बड़ी होती गई, मदरबोर्ड्स बड़े होते गए, पैनल्स बड़े होते गए, LCDs को निकालने का तरीका बदलते गया, फोल्डर्स चेंज होते गए। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस समय यदि आप आईफोन रिपेयरिंग करते हैं तो अब ऐसा समय आ गया है कि रिपेयरिंग करने के पहले मदरबोर्ड को भी अब सेपरेट करना पड़ रहा है। मतलब ये हुआ कि आजकल जो कंपनी है, पहला आईफोन, अभी आईफोन के अंदर ऐसा आया है, हो सकता है आगे चल के एंड्रॉयड फ़ोन में भी आ जाए, कि यदि हमें मोबाइल फ़ोन रिपेयर करना है तो जब हम डिसेंबल करेंगे और मदरबोर्ड को निकालेंगे तो मदरबोर्ड छोटा सा बना दिया है, और उस मदरबोर्ड में यदि हमें कोई IC बदली करनी है, चेंज करनी है, या वाटर को क्लीन करना है, या अंदर कुछ भी रिपेयरिंग करना है, तो उसके पहले हमें उसके मदरबोर्ड को अलग करना पड़ेगा। यानी आज के समय में iPhone X, XS, XS Max, 11 Pro, 12 Pro, ये जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं, इसके अंदर कंपनी ने क्या है कि दो मदरबोर्ड को एक में फ़िक्स कर दिया है, ठीक है, बॉल्स के थ्रू। तो हमें उसको रिपेयर करने के पहले उन दोनों मदरबोर्ड को पहले सेपरेट करना होगा, ठीक है, उसके बाद ही उसके अंदर हम कुछ रिपेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मेरे पास कितने सारे मदरबोर्ड्स हैं। जैसे ये iPhone 11 का मदरबोर्ड है, देखिए कितना बड़ा है। ये iPhone XS का मदरबोर्ड है, देखिए कितना बड़ा है। ये देखिए मेरे पास इस टाइप से देखें, जैसे एक्स एक्सेस एक्सेस मैक्स 11, देखिए कितने बड़े मदरबोर्ड्स हैं। तो ये जो मदरबोर्ड्स हैं, ये दो मदरबोर्ड हैं आपस में जुड़े हुए हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो मदरबोर्ड है, ये दो मदरबोर्ड आपस में जुड़े हुए हैं। अब इधर तो कुछ लगा नहीं है, देखिए इधर तो कुछ नहीं लगा है, इधर कनेक्टर्स हैं, मतलब पूरी जो ICs हैं ये दोनों मदरबोर्ड के बीच में है। तो अगर इस मदरबोर्ड को मुझे रिपेयर करना है तो सबसे पहले इसको मुझे अलग करना होगा, ठीक है, अलग करना होगा। उसमें क्या होता है कि कई बार ये जो मदरबोर्ड्स होते हैं बॉल्स के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, तो कई बार हमने मदरबोर्ड को अलग तो कर दिया, लगाते समय अगर बॉल्स प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुई तो हो सकता ऑन ना हो, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो आज के वीडियो में मेरे पास एक iPhone X है, XS है, आप देख सकते हैं ये iPhone XS है, और इसके अंदर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस टाइप के अगर मदरबोर्ड्स आएंगे आपके सामने, या कल को आप आईफोन रिपेयरिंग करोगे, तो किस तरीके से हम इन मदरबोर्ड्स को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, फिर इसकी बॉल्स बना के किस तरीके से इसको दोनों को कंबाइंड करेंगे। तो ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ है और आगे चल के आपको हो सकता है एंड्रॉयड फ़ोन में भी देखने को ये मिले, और इसमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, हीटिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी कुछ है इसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करेंगे ही आप लोग। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये फ़ोन है मेरे पास एक्सेस, तो सबसे पहले हम इसको डिसेबल करेंगे, मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, ये फ़ोन ऑन है, तो ये ऑलरेडी फ़ोन खुला हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम बोर्ड को बाहर निकालते हैं और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर दिखाता हूँ। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आईफोन रिपेयरिंग करना है तो आपको एक अच्छी टेक्निकल नॉलेज और अच्छा हैंड स्किल होना चाहिए, तभी आप आईफोन्स को प्रॉपर वे में रिपेयर कर पाओगे जो नए आईफोन्स आ रहे हैं। मेरा ये मकसद है इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि इस वीडियो को आप आगे देखोगे कि रिपेयरिंग तो हम बाद में करेंगे, पहले क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है बोर्ड को अलग करने के लिए। तो देखिए, फ़ोन को मैं ऑफ करते हैं और फ़ोन को हम डिसेबल कर लेते हैं, बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मदरबोर्ड है, काफ़ी छोटा सा मदरबोर्ड है, पूरे कनेक्टर्स लगे हुए हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये मदरबोर्ड हमने डिसेंबल कर लिया है, और इस मदरबोर्ड में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये यहाँ पर बॉल्स के थ्रू मदरबोर्ड एक दूसरे में अटैच है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड के एक साइड पूरे कनेक्टर्स हैं, ठीक है, और मदरबोर्ड के दूसरी साइड ये पूरा क्लीन है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो आईसीज हैं कुछ यहाँ पे लगी है, और ये सिम सॉकेट है, और पूरी आईसीज इस लेयर के नीचे है, तो इसको हम सेपरेट करेंगे। मतलब आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने ये देखा कि इस मोबाइल को रिपेयर करना है तो सबसे पहले हमें मदरबोर्ड को अलग अलग करना पड़ेगा। इसके अलावा उस समय मैंने जो आपको मदरबोर्ड दिखाए थे वो दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये जो है वो आईफोन 11 का मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं, इसको भी अलग करना पड़ेगा। बाकी प्रो हो, ये देखिए सब जितने भी मदरबोर्ड है, एक्सेस का है, ये आपका एक्स का है, तो इसको सब अलग करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम रिपेयर कर सकते हैं इन फ़ोन्स को। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मदरबोर्ड को अलग करने के लिए एक हीटिंग प्लेटफॉर्म आता है, इस टाइप का एक हीटिंग प्लेटफॉर्म आता है, इसमें ही लगा के हम मोबाइल को सेपरेट करेंगे। तो आपको दिखाता हूँ इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे, ये देख सकते हैं ये ऑन हो गया, ठीक है। मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ये टेम्परेचर यहाँ पर शो करता है, 180 से 200 के बीच में हमें निकालना होता है, तो यहाँ पर। और इस मदरबोर्ड को हम यहाँ पर इस टाइप से सेट कर देंगे, ये सेट हो गया मदरबोर्ड, ठीक है। और इसको यहाँ पर इस तरीके से टाइट कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से टाइट। अब ये मदरबोर्ड हो गया यहाँ पे टाइट, ठीक है। इसके बाद हम वेट करेंगे कुछ टाइम का। एक्चुअली में होता यह है कि ये देखिए आप, ये टेम्परेचर अप होते जा रहा है। होता यह है कि जब ये मदरबोर्ड हीट हो जाता है तो इसके अंदर की जो बॉल्स हैं वो मेल्ट हो जाती हैं, तो वो अपना अपना एक्सपीरियंस हमें पता चल जाता है, थोड़ा मूव करके भी पता चल जाता है कि मेल्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर एक पट्टी इसको काट लेते हैं, क्योंकि ये सिम सॉकेट से अटैच है, निकालने में दिक्कत करेगा। तो जब ये बोर्ड मिल्ट हो जाता है तो उसके बाद हम धीरे से इसको उठा लेते हैं, तो वो थोड़ा हिला के भी पता चल जाता है बोर्ड, मिनट से एक मिनट के आसपास लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपको थोड़ा और जल्दी निकालना है तो आप SMD से हीट करके भी थोड़ा सा ऊपर से हाई टेम्परेचर कर सकते हो। तो ये दो ट्वीज़र, मतलब अपने अपने निकालने का सबका तरीका होता है, मैं ऐसे निकालता हूँ, एक ट्वीज़र से इधर उठाएंगे धीरे से और दूसरे ट्वीज़र से इस तरीके से उठा लेंगे मदरबोर्ड को। देखिए ये मिल्ट हो गया है, ये धीरे से उठा, बहुत सेफ्टी से उठाना होता है, मतलब ये नहीं कि आप कैसे भी उठा लिए। तो इस तरीके से हम और इसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने के पहले हमें ये प्रोसीजर करना होगा, बोर्ड को सेपरेट करना होगा, और उसके बाद ही हम मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं फ़ैन से थोड़ा सा इसको कूल कर रहा हूँ बोर्ड को, तभी हम उसके बाद इसको निकाल कर फिर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूँ इसके अंदर की। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने मदरबोर्ड को यहाँ पर सेपरेट कर लिया है, और आप ये देख सकते हैं कि ये जो मदरबोर्ड होता है, ये इधर कनेक्टर्स लगे हैं, और ये यहाँ पर CPU लगा है, तो इसको हम कोर मदरबोर्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें CPU लगा होता है और बाकी पूरी जैसे पावर सप्लाई, चार्ज IC, पावर CPU पूरा इसमें लगा है, तो इसको कोर मदरबोर्ड बोलते हैं, यानी मेन मदरबोर्ड होता है। और ये RF मदरबोर्ड होता है, इसमें जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं, जैसे सिम हो गया, वाईफाई का हो गया, सिग्नल का पूरा सेक्शन, बेसबैंड, ये सब इसमें होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मदरबोर्ड है, ये इन बॉल्स के थ्रू आपस में अटैच था। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी बॉल्स हैं, ये पूरी बॉल्स हैं, और इन बॉल्स के थ्रू ये जो मदरबोर्ड्स होते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बॉल्स है। अगर लगाते समय एक भी बॉल अगर प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुई तो उससे रिलेटेड सेक्शन में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक आपके पास चैलेंजिंग होगा कि भैया किसी को फ़ोन ऑन, अगर किसी भी फ़ोन को रिपेयर करना है तो उसको सबसे पहले सक्सेसफुली आपको सेपरेट करना और फिर से इंस्टॉल करना आना चाहिए,
ठीक है, रिपेयरिंग तो बात की बात है, यही रीज़न है कि जो आईफोन है इनकी रिपेयरिंग इतनी कॉस्टली होती है। और अगर आप, और ये इतना कोई डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है, आप इसीलिए तो हम ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, हम एक एक चीज़ें सीखते हैं कि उनकी जो बारीकियाँ होती है उसको पता होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें आपको पता है तो आपके लिए कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मतलब ये थोड़ा एडवांस लेवल की रिपेयरिंग है जिसको आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हो। तो अब मदरबोर्ड की बॉल्स को हम क्लीन करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, मदरबोर्ड को हम पीसीबी होल्डर में ये लगाएंगे, और आईफोन्स के पीसीबी होल्डर भी अलग आते हैं, और ये जो बॉल्स आप देख रहे हो ये पूरी बॉल्स को हम एक बार क्लीन करेंगे, ताकि जब दोबारा हम इसको फिक्स करें तो डिस्टरबेंस ना आए। बॉल्स छोटी बड़ी होती हैं क्योंकि निकालने के बाद, तो थोड़ा सा सोल्डर फ्लक्स यूज़ करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसको ये डिसोल्डर वायर लेके, और आयरन आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, पूरा हीट होना चाहिए, क्योंकि ये क्लीन करते समय कई बार कुछ लोग जैसे नए होते हैं तो बॉल्स को जो पैड निकल जाती है बॉल्स, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसका जम्पर लगाना पड़ता है, मतलब वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो जाती है, फिर टाइम भी लगता है। तो आपको ध्यान देना है कि बॉल्स निकलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमने ये देखिए पूरा क्लीन कर लिया, आप देख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे थिनर से, देखिए कॉटन थिनर लेके थोड़ा सा बॉल्स को क्लीन कर लेंगे ताकि पूरी बॉल्स प्रॉपर दिख जाए। देखिए क्लीन कर लिया हमने, अब ये मदरबोर्ड मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉल पूरी क्लीन हो चुकी है, बॉल्स काफ़ी अच्छे से, कोई भी बॉल्स मिसिंग नहीं है, प्रॉपर वे में है। अब जो दूसरा मदरबोर्ड है, ये आरिफ मदरबोर्ड जो मैंने आपको बताया था, इसी में हम बॉल्स बनाएंगे, इसी मदरबोर्ड में बॉल्स बनाएंगे और फिर उस मदरबोर्ड को इसमें फिक्स करेंगे। तो देखिए इसकी जो बॉल्स है इसको क्लीन करेंगे हम, इसको भी फ्लक्स लगा के, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बॉल उखड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं सब। अगर आयरन अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, और जो डिसोल्डर वायर अच्छा है, तो फिर चांस नहीं उखड़ने का, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट बॉल्स क्लीन हो चुकी है, और अब इसको हम थिनर से एक बार और साफ़ कर लेंगे, और फिर आप देखिए बॉल्स पूरी प्रॉपर साफ़ हो चुकी है। मैं थोड़ा सा इसको पास से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप देख सकते हैं कोई भी बॉल मिसिंग नहीं है, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब हम इन बॉल्स पर ये जो है यहाँ पे इसको रिबॉल करेंगे, तो रिबॉल करने के लिए ये किल्ली की मेरे पास किट है, आईफोन एक्स एक्सेस एक्सेस मैक्स की एक किट आती है, ठीक है। इसी किट से हम पूरे तीनों मॉडल को रिबॉल कर सकते हैं। ये स्टेंसिल है इसकी, और ये फ्रेम है जिसमें हम बोर्ड को फिट करेंगे। तो देखिए चलते हैं कैसे क्या करते हैं। तो फ्रेम को सबसे पहले हम ये फ्रेम को ओपन करेंगे इस तरीके से, और ये फ्रेम में आईफोन का जो आरएफ मदरबोर्ड है उसको यहाँ फिट करेंगे, देखिए ये फिट हो गया, इसमें ये लॉक हो जाता है, और उसके बाद से नीचे पूरे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं दोनों तरफ गोल गोल से वो मैग्नेट्स हैं, और जब हम स्टेंसिल को इस तरीके से रखेंगे तो स्टेंसिल अपने आप जाकर चिपक जाएगी, देखिए अभी। काफ़ी अच्छी किट है, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो इसी कंपनी की लीजिएगा, किनली की। मैंने मैकेनिक की ली थी लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी बॉल्स दिख रही हैं, ठीक है, प्रॉपर फिट हो चुका है। मैंने मैकेनिक की ली थी, वो भी अच्छी होती है, ख़राब कोई नहीं होती है, लेकिन मेरे को ये किनली की बहुत अच्छी लगती है, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, देखिए पूरी बॉल्स प्रॉपर दिख रही है। अब हम यहाँ पर ये पीपीडी यूज़ करेंगे, और ये आईफोन के मिडिल लेयर को रिबॉल करने का जो ये पीपीडी आता है, ये स्पेशल 138 डिग्री सेल्सियस वाला आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो नॉर्मल रिबॉलिंग वाला अगर आप पीपीडी यूज़ करोगे ना, तो काफ़ी टाइम लेगा बॉल बनने में, तो आपको स्पेशल यही पीपीडी यूज़ करना है, ये स्पेशली आईफोन एक्स के लिए आती है, ठीक है। तो हम प्रॉपर वे में देखिए पूरी बॉल्स पे लगा लेंगे अच्छे से पीपीडी, ज़्यादा पोतना नहीं है क्योंकि बोर्ड पे नहीं जाना चाहिए, हल्का हल्का पूरा लगाना है पूरा। तो मैं आपको बताऊं कि जब फर्स्ट टाइम आईफोन एक्स मैंने ओपन किया था तो मुझे भी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, एक बार में बॉल्स नहीं बनी थी, तो
तो फिर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की और अब मैं जब बॉल बनाता हूँ तो एक बार में बॉल्स बन जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको भले देखने में डिफ़िकल्ट लगता होगा लेकिन ये इतना होता नहीं है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी, फर्स्ट टाइम आप नहीं कर सकते, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके बाद। और आपका जो टूल्स होने चाहिए ये बहुत मायने रखते हैं। देखिए मैंने ऊपर ये रखा और चूंकि नीचे मैग्नेट है तो देखिए फिक्स हो गया कितने अच्छे से, देखिए, और स्टेंसिल प्रेस हो गई। अब कोई भी बॉल, जैसे स्टेंसिल उठेगी नहीं और बॉल्स प्रॉपर बनेगी, देखिए कितने अच्छे से पूरा फिट हो गया। अब हम SMD से इसको हीट करेंगे और देखिए कितनी अच्छे से बॉल्स बनेगी। काफ़ी अच्छी किट है, देखिए। तो आपको एक बार और याद दिला दूं कि अभी हम मोबाइल फोन रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम मोबाइल को रिपेयर करने के पहले क्या करना है और रिपेयर हो जाने के बाद क्या करना है, उस प्रोसीजर को मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे से बॉल्स पूरी रिवॉल्व हो रही हैं, बॉल बन रही हैं। अगर यहाँ पर हम नॉर्मल BGA पेस्ट अगर PPD यूज़ करते हैं ना तो काफ़ी टाइम लेता है बॉल बनने में, तो हमें यहाँ पर जल्दी बॉल बनाना है इसीलिए 138 का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी जल्दी मेल्ट हो जाता है, हीट लगते ही पूरी बॉल्स बनने लगती हैं। देखिए, ये देखिए पूरी बॉल्स बन चुकी हैं, एक भी डिस्टर्ब नहीं है, काफ़ी अच्छे से बॉल्स बनती हैं। अच्छी किट का यूज़ कीजिए, एक बार में बन जाती है। अब हम इसको अलग करेंगे, ऊपर वाले फ्रेम को अलग करेंगे, ठीक है, ये इस टाइप से। और जो स्टेंसिल है इसको हम अपनी जगह से उठाएंगे ट्विज़र से, देखिए ये अट गया। और नीचे आप देख सकते हैं कि ये बॉल्स बन चुकी है और काफ़ी अच्छे से बॉल्स बनी है। देखिए हम थोड़ा सा सॉरी सोल्डर फ्लक्स लेंगे, और यहाँ पर ना क्या होता है कि जब बॉल्स बनाते हैं तो कई बार कुछ बॉल्स ड्राई रह जाती हैं या अपनी जगह पे गोल नहीं हो पाती हैं, तो एक बार हीट कर देंगे हल्का सा SMD से, तो जो बॉल्स ड्राई हैं और जो शेप में नहीं है वो पूरी शेप में आ जाएगी बॉल्स। देखिए तो बोर्ड को जब हम फिट करेंगे तो आसानी होगी। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से बॉल्स बन चुकी हैं और कोई भी बॉल मिसिंग नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अब हम फिर से मदरबोर्ड को हीटिंग प्लेटफॉर्म पर फिट करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इसके ऊपर जो मेन कोर मदरबोर्ड था इसको फिट करेंगे और यहाँ पर लोकेशन पूरी सेट करेंगे कैसे था पहले। तो इसको थोड़ा सेट करना पड़ता है, तो अभी मैं कैमरे पे आपको नहीं दिखा पाऊंगा कि मतलब कैसे सेट करना है, लेकिन एग्जैक्ट कॉर्नर पूरा देख के सेट करेंगे ऊपर मदरबोर्ड को और हीटिंग प्लेटफॉर्म को ऑन करेंगे। पहले सेट कर लेता हूँ मैं अच्छे से, ये देखिए। ये अब ऑन कर दिया मैंने और कुछ समय वेट करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर 200 तक, 180 से 200 तक जाएगा, रीच होगा, और हम 60 सेकेंड और 45 सेकेंड वेट करेंगे। और अगर जैसे मुझे जल्दी लगाना होता है तो मैं थोड़ा सा SMD से ऊपर से हीट कर देता हूँ तो मदरबोर्ड जल्दी फिट हो जाता है, ठीक है, मैं उतना वेट नहीं करना पड़ता है। तो और हम ट्वीज़र से थोड़ा सा इसको मूव कराएंगे ना मदरबोर्ड को तो मूव करता है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सीखनी पड़ेंगी, मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो उससे पता चल जाता है कि मदरबोर्ड फिट हो चुका है। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी जब आप कोर्स करोगे तो, ठीक है। ये हल्का सा मैं इसे मूव करा के देख सकता हूँ कि मदरबोर्ड लगा है कि नहीं, और जब मदरबोर्ड लग जाए तो उसके बाद हम फैन से, मैंने ये कूल कर चुका हूँ मैं, और इसको उठा के वहाँ से हटा के, और अब मैं इसको मोबाइल फ़ोन में फिट करूँगा और देखूँगा कि ये जो मदरबोर्ड है प्रॉपर फिट हुआ है कि नहीं, प्रॉपर दोनों मदरबोर्ड बॉल्स के थ्रू आप कनेक्ट हुए हैं कि नहीं। और अब हम इसको ऑन करके देखेंगे, देखिए ये
ये देखिए ऑन हो गया, तो इससे पता चलता है कि बोर्ड प्रॉपर कनेक्ट है, अटैच हुआ है, ऑन भी हो गया है। तो इस तरीके से मतलब कोई भी आईफोन एक्स के बाद जितने भी लॉन्च हुए हैं 12 प्रो तक, इन सभी फ़ोन्स को रिपेयर करने के पहले ये पूरे प्रोसीजर से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि आपको अच्छे से ट्रेनिंग लेनी होगी और अच्छे हैंड स्किल की ज़रूरत होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।